आम आदमी पार्टी के पुणे लोकसभा उम्मीदवार श्री सुभाष वारे जी के साथ इस खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है। वारे जी, आपका स्वागत और धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक जिज्ञासा भरा प्रश्न है। ये प्रश्न खास तौर से उन लोगों की तरफ से आ रहा है जो बहुत सालों से जानते हैं कि आपने अपने जीवन के 25-30 वर्ष सामाजिक कार्य में दिए हैं। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना, सुभाष वारे जी इज अ वेरी गुड पर्सन, इतना अच्छा व्यक्ति राजनीति में कैसे आ गया? आपने राजनीति में आने का फैसला कब किया और अपना मन कैसे बनाया? नहीं, ऐसा है कि ये सही है कि मैं लगभग 25 साल से भी ज़्यादा समय के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय हूँ। उनमें से आखिर के कुछ सालों में चुनावी राजनीति के संदर्भ में भी हम कुछ कोशिश करते रहे। मैंने खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा, यह सही है, लेकिन यही तो जनलोकपाल आंदोलन से उपजी हुई आम आदमी पार्टी की खासियत है कि सामाजिक कार्यों से अपने मुद्दों का आग्रह धरने वाले या जन आंदोलनों के माध्यम से अपने मुद्दों का आग्रह धरने वाले लोगों को आम आदमी पार्टी की वजह से ये विश्वास मिला कि भाई राजनीति में भी जाकर हम अपने मुद्दों का आग्रह अधिक प्रभावी तरीके से धर सकते हैं। तो इसी कारण आज आप देख सकते हैं कि पूरे भारत भर में इस तरीके के जन आंदोलनकारी सामाजिक कार्यकर्ता या रिटायर्ड आईपीएस अफसर चुनावी राजनीति के बारे में एक सकारात्मक रूप में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आम आदमी पार्टी की वजह से देश भर में जो एक चेतना आई है राजनीति के संदर्भ में, उस चेतना का परिणाम।